हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक अजर्शन है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है एडिशन ऑफ सिल्वर आयंस टू अ मिक्सचर ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन विल फर्स्ट प्रेसिपिटेट AgBr रादर देन AgCl। ये बिल्कुल सही बात है। ये इसमें ऐसा लिख रहे हैं कि आपने एक मिक्सचर ले लिया, ठीक है। इस मिक्सचर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आपका NaCl पड़ा है एंड आपका NaBr पड़ा है। दोनों के दोनों क्या है, सोलेबल सॉल्ट्स हैं, तो कैटायन एंड आयन आयनाइज फॉर्म में रहेंगे। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या डाल रहे हो, Ag प्लस आयंस डाल रहे हो। तो हमें पता है कि Ag प्लस आयंस क्या करते हैं, क्लोराइड आयंस या हेलाइड आयंस जो भी हो, ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, आयोडाइड हो, उनके साथ में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सो ये डालते ही आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि AgCl बन जाए प्रेसिपिटेट, और या फिर AgBr प्रेसिपिटेट बने, दोनों ही बनेंगे। पर पहले कौन सा बनेगा ये बताना है। तो ये कह रहे हैं कि पहले AgBr बनेगा, फिर उसके बाद में AgCl बनेगा। AgBr एक लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा और AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। सो ये बिल्कुल ट्रू है कि पहले AgBr बनेगा, बाद में AgCl बनेगा। अब AgBr पहले क्यों बनेगा, क्योंकि AgBr का जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है वो कम होता है, जो कि रीजन में लिखा हुआ है कि KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ AgCl इज ग्रेटर देन KSP ऑफ AgBr। तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि KSP अगर आपका AgBr का कम है तो उसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है, डिसोसिएटेड फॉर्म में वो कम रहेगा, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज्यादा रहेगा, तो वो प्रेसिपिटेट पहले हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। सो अजर्शन रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन करता है, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।